Thank you.
जल्दी जल्दी क्लास पूरा करो, आधा घंटा पढ़ो एक बार, लंबा टाइम नहीं लगेगा। क्लियर नहीं हुआ, गंगा में लोटी पानी भर कर बुझ नहीं। लोटी को समझ जाएंगे तो सब समझ जाएंगे। लोटी पोटी नहीं जानते है? अरे कितनी बार सुनाया, लोटी जाकर चढ़ाते हैं, लोटी में पानी बहुत होता है, दूध बहुत थोड़ा होता है, देखने में दूध आता है सफेद सफेद, लेकिन होता है सारा पानी ही पानी। लोटी क्या होती है? अरे बिना बुद्धि की लोटी कैसे चढ़ा रही है? जड़ लोटा चढ़ा देवेंगे क्या? कन्याएं अर्पण करते हैं वो है लोटी, और फिर उस लोटे के आधार पर चलते रहते हैं, उसमें से एक बूंद लेंगे और रोज स्नान करते रहेंगे। उन कन्याओं माताओं को ही क्या समझ लेते हैं, यही ज्ञान गंगा है। वास्तव में कोई ज्ञान गंगा नहीं होती है, समझते एक लोटी लाने से पतित से पावन बन जावेंगे। लोटी भरकर ले जाते हैं, फिर रोज आना उससे एक ड्रम पानी मिलाए, स्नान करते रहते हैं। साधुओं को भी जेल में डाला तो उन्होंने भी गंगा जल की मांग कर ली, सरकार को फिर देना पड़े। तो बात समझाते हैं, माया बड़े जोर से थप्पड़ लगाई देती है। तुम एक बात को याद करो, क्यों नहीं समझ में आया? अरे गंगा हो चाहे गंगा जल की लोटी हो, वो रहेगा तो पानी का पानी ही, ज्ञान सागर बन जाएगा क्या? और वो तो भक्त लोग कहते हैं, गंगा में स्नान करने से, नदियों में स्नान करने से पाप धुल जाएंगे, या सागर में स्नान करने से पाप धुलेंगे? सागर भी जड़ चाहिए या चैतन्य चाहिए? चैतन्य चाहिए। सारंगपुर वासी को पाते हैं, सारंगपुर को पाते हैं तो का सारंग सारंग माना क्या? सारंग कहते हैं सर्प को। सर्पों का पुर कौन सा होता है? जहाँ सर्प ही सर्प दिखाई पड़ते हैं कि रह रहे हैं, उन सर्पों का पुर देखो, देखा? जहाँ सर्प ही सर्प दिखाई पड़ते हैं, नहीं देखा? अरे कमर में देखो तो सर्प, बाजू में देखो तो सर्प, गले में देखो तो सर्प, सर पे देखो तो सर्प। तो सारंगपुर का मतलब समझे है? हाँ जी, तो वहाँ रहने वालों का क्या होता है, सदगति होती है कि नहीं होती है? संग का रंग लगता है कि नहीं लगता है? तो गीत बनाए दिए, चंदन वैसे भी आपत नहीं, लिपटे भी रहे तो भुजंग। सर्पों का असर उसके ऊपर नहीं होता, उसका असर सर्पों के ऊपर हो जाता है।
बाहर धरती वाले पूरे सरेंडर होकर के रहेंगे तो क्यों नहीं आ सकते हैं? फुल सरेंडर चाहिए, दिखावेगा नहीं, तन से भी पूरा सरेंडर। तन का कोई परसेंटेज बाहर की दुनिया में न लगे, धन से भी पूरा सरेंडर। धन का कोई भी परसेंटेज श्रीमत के खिलाफ बाहर की दुनिया में न लगे, मन के संकल्प भी ईश्वरीय सेवा में लगे। तो ऐसा अगर सरेंडर है तो क्यों नहीं ऐसे देह में आवेगा? नहीं आ सकता? आ सकता है ना, ननो मन तेल हुआ। और का सात नारायण निकलते हैं तो विधर्मी बन जाते हैं या नहीं बन जाते हैं? विधर्मी बन गए माने कंस के कुसावे में आ गए। कृष्ण उस कंस के संग के रंग से बच जाता है, वो बाहर चला जाता है। उसके कंट्रोल से ही बाहर हो गया। है? सात नारायण कहाँ है? बेसिक में है कि एडवांस में? तो कुसावे में आ गए या बच गए? आ गए। अरे राम ही रावण बनता है, डॉट 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 आगे आगे की बात बोलो। कश्मीर कंस बनता है। और मुक्ति जीवन मुक्ति का आधार क्या? ज्ञान या बाप? ज्ञान बाप से आता है या ज्ञान कोई अलग चीज है? ना बाप से। ज्ञान माना सकते जानकारी, सच्चाई की जानकारी ही बाप है, बहुत शुभ कहा जाता है। ना आधार क्या हुआ? ज्ञान आधार हुआ या बाप सत्य? ज्ञान जड़ है या बाप जड़ है? बाप चैतन्य है और ज्ञान, ज्ञान जड़ है। तो आधार क्या होना चाहिए? चैतन्य होना चाहिए या जड़ होना चाहिए? चैतन्य आधार है, चैतन्य से ज्ञान निकलता है। रावण देह है, देह अभिमान है, राम चैतन्य है, देही है, आत्मा है, आत्मिक स्थिति वाला है। चैतन्य से ज्ञान आता है, जड़त्व से अज्ञान आता है। और परिवर्तन परिवर्तन शक्ति का बीच में यहाँ के मंडल में रुद्रमाला के मणका में भी परिवर्तन शक्ति होगी, तब तो नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ेगा। फाउंडेशन बीजों से पड़ता है या जड़ों से पड़ता है? बीज पहले चाहिए, तो रुद्रमाला में भी पहले बीज चाहिए, परिवर्तन शक्ति का बीज। बता तो दिया, नाम ही बता दिया तो काम भी जान लेना चाहिए। नाम का पता नहीं चला है क्या? ओ विजयमाला से है यह रुद्रमाला बीज है। योगिनी है, याद जो है वो सारी नई दुनिया का बीज है।
और फिर विविचारी याद सारी पुरानी दुनिया का बीज है। अब विविचारी याद से नई दुनिया अपने लिए, और विविचारी याद से पुरानी दुनिया नरक की दुनिया किसके लिए? अपने लिए। मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी, ब्राह्मणों का जो नव कुल गाया है उसका नाम अभी तक हमें पूरा पता नहीं है। और तो भक्ति मार्ग वाले पंडितों से किसी से भी पूछ लो, नव ऋषियों का नाम बता देंगे, किताबों में भी लिखा होगा। यहाँ तो नौ धर्मों की बात समझाई जाती है, उन्हीं नौ धर्मों के बीजों का नाम उन्होंने नव ऋषि रख दिया है। और सन्यासी जो बोलते हैं कि मोक्ष ही चाहिए, मतलब सुख दुख नहीं चाहिए, वो समझते हैं कि मुक्ति हमेशा के लिए हो जाती है सुख दुखों से। आना ही नहीं चाहता। वो इतने ज्यादा दुखी हो जाते हैं अंत में, क्योंकि तो सारा 63 जन्म का जो लंबा है समय, उसमें तो उन्होंने सुगम बन करके बहुत सुख भोग लिया, भगवान ही बन करके बैठ गए, बहुत मान मर्तबा ले लिया, तो उसका उजूरा अंतिम जन्म में उनको मिलता है क्या? दुनिया में ही आना नहीं, कोई उनको पूछता नहीं। सन्यासी ऐसे मरेंगे जैसे पशु मरते हैं, कुत्ते की मौत होती है तो कोई जाता है पास में? कोई पास में नहीं जाता। इसलिए उस समय उनको ये बात आती है, हमें ये दुनिया ही नहीं चाहिए, भगवान नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, नरक नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। जब आदमी बहुत दुखी हो जाता है तब कहता है हमें कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति चाहिए। लेकिन असलियत यह है कि आदमी की अंदर की इच्छा है हमें सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, दुख से मुक्ति चाहिए और जीवन में रहते हुए सुख चाहिए, वो जीवन मुक्ति है। जो सन्यासी होते हैं पूरा खाली कैपेसिटी करके खाते हैं, क्या होता है इसका? ये होता है कि जब घरवार छोड़ जाते हैं तो विकारों की भूख तो बढ़ती है या घट जाती है? बढ़ जाती है, लेकिन बाहर की जंगल की दुनिया में जाकर के वो पूर्ति तो होती नहीं है। होती है? होती तो नहीं है, तो बहुत भूखे हो जाते हैं। और कोई भगते ने मिल गई तो पूरी था ले लेते हैं, सारी थाली छपाछट कर देते हैं, तो किसकी बन जाएगी वो? भगवान की बनी रहेगी या उनकी बन जाएगी? उनकी बन जाती है। और सतयुग में राम भक्त वाली आत्मा का पाठ पढ़ता है, संगम युग में लक्ष्मी नारायण, त्रेता में राम सीता, तो संगम सतयुग में कौन सा पाठ? संगम में सतयुग में त्रेता में राम सीता का पाठ, सतयुग में राम सीता वाली आत्मा नहीं होती है? सतयुग में राम सीता वाली आत्मा नहीं होती है? राम सीता पर त्रेता में राम सीता, त्रेता में तो राम सीता है, वो तो फेलियर हुए पूर्व जन्म में, उसकी प्रारब्ध मिल गई। लेकिन यहाँ सतयुग में राम सीता होते हैं कि नहीं? जो नई सतयुग की दुनिया है बाप आकर के स्थापन करते हैं, उसमें राम सीता होते हैं या नहीं होते हैं? या हाँ करो ना करो, होते हैं ना। और जो होते हैं वो पहली पीढ़ी में होते हैं, अव्वल नंबर पीढ़ी में होते हैं, अल्लाह अव्वल दिन आकर स्थापन करते हैं उस अव्वल दिन में होते हैं, या कोई नंबर बार में होते हैं? अव्वल दिन में होते हैं। तो सतयुग में भी है, त्रेता में भी है। बोल ही दिया कि जो नारायण बनते हैं वो त्रेता में राम सीता बनते हैं, जिस नंबर के लक्ष्मी नारायण उसी नंबर के राम सीता बनते। वो तो है ही हरियुग में पहला नंबर,
भक्तों ने कह दिया चारों युग प्रसाद तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजारा। तो चारों युगों के आदि में है कौन? जो पहला ब्राह्मण, तो पहला देवता प्रतिग में, तो पहला क्षत्रिय त्रेता में, तो पहला वैश्य द्वापर में, तो पहला शूद्र कलियुग में। बादशाह लोग अपनी कन्याओं की शादी नहीं करते थे, बाबा ने बताया था। बादशाह लोग नहीं करते थे ऐसा नहीं, जो महाराजा होते थे सम्राट होते थे उनसे बड़ा कोई राजा नहीं होता था। उनके लिए ये बात आई है कि वो किसके सामने अपनी कन्या का दान करें, किसको अपने से ऊंचा माने, फिर तो उसी की राजाई हो जाएगी। हाँ, क्या बोलना क्या चाहते हैं? वो कन्या का आगे पार्ट क्या वही रहेगी क्या? माने वो आगे पुण्य करने का भविष्य क्या? भविष्य माने अगले जन्म में या उसी जन्म में? उसी जन्म में। भविष्य क्या है? बाप की बोध में ही रहती है जैसे शाहजहां की पुत्री। मुस्लिम धर्म में जो सात आठ से जो है ना अक्षर है वो शुभ मानते हैं, उसका है ना आठ में आरती का मतलब भेद में आरती का 786 सात आठ और छः। हाँ ये छः नंबर होता है वो मुस्लिम धर्म से कनेक्टेड है और सात नंबर है सिख धर्म से कनेक्टेड और आठ नंबर है आठवें आर्य समाज से। मुस्लिम आए उन्होंने क्या किया? मोहम्मद ने आके इस्लामियों में जो अंधश्रद्धा थी मूर्ति पूजा की उसका खंडन कर दिया। तो अच्छा किया या बुरा किया? मुसलमानों के लिए ये बात अच्छी हुई या बुरी हुई? अच्छी हुई। अंधश्रद्धा का खंडन करना बुरी बात थोड़ी। और सिख आए और सिखों ने आकर के मुसलमानों का पराभव कर दिया, नहीं तो वो मारकाट मचाते चले जाते, हिंदुस्तान को नेस्त नाबूद ही कर देते। तो पाप करने से बच गए। माता पिता के देश में खून खराबे से मुसलमान बच गए। तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा हुआ। अब आखिरी कौन है? आर्य समाज। आर्य समाज एक ऐसा धर्म आया जिसने आते ही सबको निमंत्रण दे दिया, कोई भी धर्म वाला आकर के हिंदू बन सकता है। तो अभी पिछले 100-150 वर्षों से 100-125 वर्षों से हर धर्म की आत्माएं भारतवर्ष में आकर के प्रवेश पा गई। उसी समय भगवान आ गया। तो हर धर्म की विदेशी आत्माओं का कल्याण हुआ या अकल्याण हुआ? आर्य समाजियों के आने से कल्याण हो गया, खास करके मुसलमानों का, क्योंकि मुसलमान सारे के सारे आए थे पश्चिम से और सिंध हैदराबाद में आकर के वो साथ ज्यादा जखीरा बस गया। इसलिए ये संख्या अच्छी मानते हैं। और बाबा हर बच्चे का हक होता है, हर आत्मा का, कि वो अपनी जिज्ञासा जो है बाप से पूर्ति करे। जिज्ञासा वो कुछ जिज्ञासा अपनी पूर्ति करने के लिए बाप के सामने कुछ सवाल रखते बाबा, उसके मन में कोई भी प्रकार का क्रॉस संकल्प नहीं होता। होता भी है नहीं होता है, क्योंकि बाप ने कहा है प्रश्न पूछने वाले दो लक्ष्य से प्रश्न पूछते हैं। एक तो इस लक्ष्य से पूछते हैं
कि हमारी जिज्ञासा का समाधान हो जाए। दूसरे किसी ने जो जिज्ञासा की है उसे जिज्ञासा का हमने सही समाधान दिया है या नहीं दिया है वो हमको पता लग जाए। दूसरे ऐसे होते हैं ओवर पावर करने के लिए पूछते हैं, वो खरा गलत बात है। नहीं बाबा, लेकिन जिनके मन में कोई क्रॉस संकल्प है वो जब सवाल रखते हैं, लेकिन उस सवाल से अन्य बच्चों के मन में क्रॉस संकल्प तैयार होता है, तो क्या वो पूछने वाला बच्चा भागीदार बनता है पाप का? दूसरों को इंटरेस्ट क्यों जागेगा? पूर्व जन्म का कोई दिलचस्पी होगी तो जागेगा। उनकी अगर पूर्व जन्म में कोई दिलचस्पी नहीं होगी तो क्यों जागेगा? नहीं, लेकिन संकल्प तो हमारे मन में कुछ, हमारे मन में संकल्प है तो मैंने पूछा। अगर दूसरों को उससे कोई दिलचस्पी पैदा होती है और उनके अंदर भी संकल्प पैदा होता है, तो जो भी संकल्प इस जन्म में संगम युग में पैदा हो रहे हैं उनका बीज कहाँ पड़ता है? पूर्व जन्म में बीज पड़ता है ना, तो बीज किसने डाला? जी बाबा, लेकिन जब बात पूछा जाता है, प्रश्न जब पूछा जाता है तो क्रॉस संकल्प के आधार पे नहीं, जिज्ञासा शांत करने के आधार पे जब पूछा जाता है, लेकिन उस प्रश्न को कई अन्य आत्माएं ऐसे उठा लेते और बात के प्रति अगर विकल्प चलाना शुरू करते तो क्या उस समय पूजा चढ़ता है? वो विकल्प कलर चलाना शुरू करते हैं। हाँ, और कुछ ऐसी भी आत्माएं हैं जो न्यूट्रल होकर के रहती है। न्यूट्रल का तो प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन है ना कुछ ऐसी आत्माएं तो जिन्होंने न्यूट्रल होकर के रही उनके भी पूर्व जन्म का हिसाब है, वो वहाँ भी न्यूट्रल होकर रही, ध्यान नहीं दिया। दुनिया में ढेर सारी बातें उठाते रहते हैं, हमें दुनिया की बातों से क्या मतलब? स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी पर चिंतन पतन की जब, और दूसरी आत्माएं जिन्होंने इंटरेस्ट लिया इसकी भी सुनना, ये क्या कहता है उसकी भी सुनना, वो क्या कहता है इसकी भी सुनना, वो क्या कहता है, तो बीज किसने बोया? उन्होंने बीज बोया ना, तो उन्होंने बीज बोया वही उसको काट रहे हैं। इसमें वो पूछने वाला तो अपनी जिज्ञासा शांत कर रहा है और उससे जिसने प्रश्न किया वो उसको वेरीफाई कर रहा है कि हमने सही जवाब दिया या नहीं दिया। हाँ जी, रामायण में एक बात आ रहा है कि रावण रथी वीरथ रघुवीरा, तो इसमें देहभान की बात आया क्या इसका? रावण को देहभान था, रावण को अपना देहभान था, देह थी, और रघुवीर है उनको अपना रथ नहीं था। हाँ, मतलब वो उनको देहभान नहीं था इसका। हाँ, तो भक्तों को दया आ रही है कि भगवान को तो रथ मिल गया है, इनको अपना रथ भी नहीं है। रावण को जो रथ दिखाया गया है, हाँ, वो उसका अपना वाहन है। रावण रथी माने देह अभिमानी है, वो रथ वाला है। हाँ, और राम को रथ नहीं बताया, रथ भी नहीं है। तो ये देख करके जो भक्त होंगे उनको दुख होगा या जो ज्ञानी होंगे उनको दुख होगा? भक्तों को दुख हो रहा है, अरे रावण रथी वीरथ रघुवीरा, देख विभीषण, विभीषण भक्त था या ज्ञानी था? देख विभीषण भय अधीरा। उसने जो रथ मंगाया था राम के लिए वो देवताओं ने भेजा था, तो उसका मतलब क्या हुआ? देवताएं जो रथ भेजेंगे वो नारायण का रथ भेजेंगे या दूसरा रथ भेजेंगे? नारायण को भी अपना रथ था या नहीं था? लेकिन ज्ञान में तो ऐसा बताया जाता है आपसे कि भगवान स्वयं आकर के नारायण वाली आत्मा का रथ लेते हैं। अरे नारायण होता है उसमें? जो भी होता तो है यज्ञ में, तो नारायण होता है यज्ञ में तो होता है ना? वो नारायण होता है उस समय, ब्राह्मण होता है वो। हाँ, ब्राह्मण होता है, संपूर्ण ब्राह्मण बने तो नारायण बने, अधूरा ब्राह्मण है तो नारायण कैसे? तो ने उसको बाप को अर्पित किया क्या? हो रहा ऐसा अकेला चला बाहर फोड़ता है क्या? कुमार का दादी इतना बीमार हुई, कितनी बार काल के गाल में जाकर के निकल आई, उसका कारण क्या हुआ? कावा में सबकी बुद्धि इकट्ठी हो गई कि नहीं हो गई? तो असर नहीं पड़ा?
संगौ शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संगठन की शक्ति सबसे बड़ी हो जाती है। भगवान भी अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसको भी बच्चों का सहयोग चाहिए। भगवान सब कुछ कर सकता है। हाँ, मरी मक्खी को जिंदा कर सकता है। कहते हैं तो कहने वाले भगत हैं, ज्ञानी है। उसका भक्ति के आधार पर कुछ आधार होगा ना उसका कहने का। क्या सब कुछ कर सकता है? जैसे जैसे जो काम मनुष्य नहीं कर सकता। हाँ? जो काम सब कुछ, सब कुछ में अब ये मनुष्य नहीं करता कर सकता, ये बात अलग हो गई। और सब कुछ कर सकता है, ये बात अलग हो गई। नहीं, ऐसा दिखाया जाता है कि, अरे दिखाने वाले कौन है? जो भगवान का पाठधारी है वो असंभव को भी संभव कर दिखाता है सर। उसके भी दो अर्थ हैं, एक भक्तों के द्वारा बनाया हुआ अर्थ और एक ज्ञानियों के द्वारा बनाया हुआ अर्थ। अगर सच्ची बात पूछी जाए तो भगवान कुछ करता ही नहीं है, वो तो अकरता है। वो कुछ करता है क्या? अगर करेगा तो भरेगा, अच्छा करेगा तो स्वर्ग में जाना पड़े और बुरा करेगा तो नरक में जाना पड़े। नहीं, जैसे यज्ञ में राम कृष्ण की आत्मा है दोनों। अब राम कृष्ण की आत्मा है, भगवान थोड़े ही है। भगवान की पाठधारी के रूप में पाठधारी है और वो पाठधारी आत्मा है। अन्य जो देवताएं हैं उन देवताओं से सुपर पावर रखती हैं, वो ज्यादा सुपर पावर रखती हैं, सुपरिटी उनके अंदर ज्यादा है, ऐसा देखने में आता है। तो यज्ञ में जो भी ब्राह्मण बच्चे हैं उन बच्चों से ज्यादा ही उनकी मतलब योग धारणा पावरफुल है। तो उनका जो है यज्ञ में मतलब ज्यादा ही उनका एक्टिविटी चलता है ना। तो इनकी बड़ी बैटरी है तो ज्यादा पार्ट बजाएगी, तो इस हिसाब से उनकी सुपर नेसेसिटी होती है ना। हाँ, होती है। तो भगवान जो भी है यज्ञ में है, ब्राह्मण बच्चों के साथ है, ब्राह्मण बच्चे उसका सहयोग लेते हैं और सहयोग देते हैं। हाँ। ये यज्ञ में है और जो भी भगवान के साथी हैं वो उसका सहयोगी हैं भी और साथी भी हैं। ये बातें जो है यज्ञ में भी देखने को आती हैं। लेकिन जो यज्ञ से विमुख हैं बच्चे, जो बाप के साथ में रहते हुए भी बाप से सहयोगी नहीं है और विरोधी का पार्ट बजाते हैं, तो उनका तो उस तरह का पार्ट बजेगा ना बाबा। बाप की सुपर मेसी से वो वंचित रहेंगे ना। फिर भी वो देखने में आता है कि ज्यादा पावरफुल दिखाते हैं वो। जैसे रावण को दिखाया गया है कि वो ज्यादा ही ताकतवर है शरीर से। इसका कारण तो बता दिया ना, जो पहले पैदा होते हैं वो बड़े होते हैं, जिनका बाद में जन्म होता है वो छोटे होते हैं। छोटे होते हैं उनमें ज्यादा ताकत होती है अपनी, या जो बड़े पहले पैदा होते हैं उनमें ज्यादा अपनी ताकत होती है? बड़ों में ताकत अपनी ज्यादा होती है। और घरों में भी जो बच्चे पैदा होते हैं, छोटे बच्चे, छोटा बच्चा अगर है तो हठी होता है ज्यादा, क्योंकि प्यार ज्यादा मिलता है। माँ बाप का भी प्यार मिलता है, बड़े भाइयों का भी प्यार मिलता है, परिवार का भी प्यार मिलता है, तो ज्यादा प्यार से बिगड़ जाता है मामला। प्यार का वो दुरुपयोग करता है कि सारे को उत्तम करता है। हाँ जी, सारे जो है उससे परेशान हो जाते हैं, कभी कभी कुछ एक्टिविटी ऐसा कर जाता है। हाँ, बाप फिर भी पैर परेशान नहीं होता है, झाड़ किसी तरह सबसे नजदीक बैठाया हुआ है, तो दिमाग तो खराब होगा ना। हर चैतन्य आत्मा जो भी बीज रूप आत्माएं हैं, उन बीज रूप आत्माओं की दुनिया की बात है। ऐसे नहीं कि दुनिया में जो 500-700 करोड़ आत्माएं हैं उनमें 700 करोड़ भी जो आत्मा है
उसकी कोई अपनी दुनिया है। अरे रावण को, अरे वो बात तो पूरी हो जाने दो। हाँ जी, नाम अलग अलग है। हाँ जी, जैसा जैसा काम वैसे वैसे नाम। योगेश्वर और योगिनी बहन, उनकी अब सृष्टि अभी रची जा रही है, दुनिया रची जा रही है। ठीक है, वैसे जगत पिता जगत माता। योगिनी जैसी आत्माएं और उनके जैसा पार्ट बजाने वाली आत्माओं की दुनिया अलग होगी, उनमें स्वभाव संस्कार सब एक जैसे होंगे, और योगीश्वर जैसी आत्माएं और उनके जैसा पार्ट बजाने वाली आत्माएं अलग होंगी, उनके स्वभाव संस्कार समान होंगे। हैं? भूतना तो भूतना से वो तो वो प्रधानता की स्टेज की बात है, वो भी तो वो प्रधानता की स्टेज की बात है। हाँ जी बाबा, इधर कौन बोल रहा था? रावण भक्ति नहीं हुआ। अच्छा, भक्ति क्यों नहीं हुई भाई? करेंगे। यहाँ कौन लाया आपको? प्रहलाद भाई। कहाँ है? आए नहीं, आपको धक्का मार के भेज दिया, पुस्तानी ब्राह्मण बना दिया है, उन्होंने बताया नहीं है? बताया। क्या बताया? कि बाबा को दे क्या हो जाके है, ये नहीं बताया? बाबा है ना, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, बताया था है? क्या बताया? अरे दम न हो जाओ, बोलो, जैसे उमंग उत्साह के आ गए तो बोलते भी रहो है। बाबा इन आंखों से दिखाई पड़ता है, है? दिखाई पड़ता है आत्मा से? दिखाई नहीं देते। आत्मा ही नहीं दिखाई देती तो फिर अभी उनसे पूछना जाके हाँ जी, इस्लाम धर्म को क्या बोलते हैं? सभी इस्लाम धर्म के बात बजाने वाले होते हैं, सभी ब्रह्मा बाबा बजाएंगे। धर्मराज का पाठ कभी ब्रह्मा बाबा बजाएंगे? इस्लाम धर्म आत्मा सभी धर्मराज का पाठ बजाएगी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एक ही बना रहता है कि बदलते भी रहते हैं? एक ही बना रहता है, बदलते रहते हैं। इनकी क्या बड़ी बात हो गई? अरे ब्रह्मा बाबा है, और ब्रह्मा बाबा बच्चे के रूप में जन्म ले लेगा तो उसके बाद का धर्मराज का पाठ नहीं चलेगा? उसके बाद सजा खाने वाली आत्मा की संख्या खत्म हो जाएगी, तो कोई तो उसके अभी बैठेगा ना। और बाबा, गुरुजी ने जिक्र किया है माया के ऊपर गीत है, माया नजर या मार गई रे, ब्रह्मा को मारी विष्णु को मारी, जिक्र आया है। हाँ, चलो, शंकर की दाढ़ी हिला गई है। बाबा, माया भी जो भी अपने पैतरे चलाती है वो तो आंखों द्वारा ही चलती है, चलती है मुख्य, ऐसा तो नहीं कि माया से आंखों से ही बार करती है? नहीं, मुख्य इंद्रिय जो है वो आंखों को ही इस्तेमाल करती है। नहीं, माया जो है, माया आती ही कब है? जबकि भ्रष्ट इंद्रियों से दुनिया में काम शुरू हो जाता है, तब माया का राज्य शुरू होता है। लेकिन बोला आंखें जो है सबसे ज्यादा धोखा, आंखें सबसे ज्यादा धोखा, इनका तो सहयोग पहले लिया ना। हाँ, तो आंखों से जो उन्होंने जो कर्म किए उसमें ब्रह्मा को हरा पाई, विष्णु को भी हरा पाई, लेकिन शंकर को वो आंखों से नहीं कुछ कर पाई। हाँ। तो शंकर की दाढ़ी हिलाकर गई हो? दाढ़ी रखी गाय के लिए, दाढ़ी तो बेकार की निशानी होती है। शंकर जी के तो दो रूप दिखाए जाते हैं, एक भिखारी और एक
निर्विकारी, एक दाढ़ी मूछ वाला और एक क्लीन शेप वाला। तो जो क्लीन शेप वाला बन जाए ना, पकड़ नहीं पाएगी। नहीं लेकिन विकारी तो है, ठीक है, दाढ़ी दाढ़ी मूछ विकारी का लक्षण है बाबा, लेकिन शंकर को विकारी कैसे कहेंगे? अरे जब है उसके दो रूप, एक पुरुषार्थी रूप, जब तक याद करता है, याद करनी पड़ती है, तब तक है पुरुषार्थी रूप। पुरुषार्थी रूप माने विकारी रूप। विकारी को ही याद करने की जरूरत है या निर्विकारी को याद करने की जरूरत है? जब तक विकारी है तो याद करने की जरूरत है, निर्विकारी हो जाएगा तो सदाकाली की स्टेज में टिक जाएगा, फिर ऊपर नीचे स्टेज दो तरह के चेहरे नहीं बनेंगे। माना उनकी जो याद की अवस्था थी उस समय उनको जिलाने की कोशिश की गई। हाँ, जिस समय पुरुषार्थी जीवन था उस समय माया हिला गई, और जब पुरुषार्थी जीवन परिपक्व हो जाता है तो दाढ़ी निकल जाती। अभी तो पुरुषार्थ हो गया ना बाबा? पुरुषार्थ हो गया माने सब बच्चे जो है वो पावन बन गए? बच्चों की बात नहीं। क्यों नहीं, बाप बिगड़ बच्चों के पहले आगे चला जाएगा क्या? नहीं, लेकिन बाप किसके लिए रुका हुआ है? और जब बच्चों के लिए रुका हुआ है तो बच्चों का संग करेंगे, बाप को लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा तो अवस्था नीचे ऊपर होगी या नहीं होगी? लेकिन उसमें शिव की जब प्रवेशता है, शिव की प्रवेशता जब है तब ही संग करंग लगता है और बच्चों का संग करंग धुल जाता है। जब नहीं है, लेकिन बाबा ने ये भी तो कहा है ना, बाप दादा चाहे तो जा सकते हैं, माना शिफ्ट है कि तुरंत जा सकते हैं उस दिन, जा सकते हैं, लेकिन किसके लिए रुके हुए? बच्चों के लिए रुके, बच्चों के लिए रुके हुए हैं। तो वो कार्य चालू है या नहीं चालू है? बच्चों का संग का रंग लेना और उसको धुलाई करना, ये काम चालू है या नहीं चालू है? ना अभी भी माया दाढ़ी हिला रही है, इसको पूछने की बात हुई। लेकिन शंकर तो मिक्सचरिटी का है ना बाबा? है शंकर तो मिक्सचरिटी पार्ट का है, तो मिक्सचरिटी नहीं होनी चाहिए ना? मिक्सचरिटी नहीं होगी तभी तो नारायण कहा जाएगा। नारायण में और शंकर में क्या अंतर? शंकर को प्रजापिता कहेंगे क्या? प्रजापिता है पतित रूप, शंकर है मित्र रूप, और नारायण है शुद्ध रूप। लेकिन भगवान का रूप बाबा ने बोला शिव शंकर भोलेनाथ। हाँ जी, तो है भगवान का रूप। हाँ? तो भगवान का रूप और सिर्फ नारायण, हाँ? फर्क है ना बाबा? हाँ जी, इसमें शिव की प्रवेशता है तब हाँ? शंकर कहाँ जाता है? हाँ? शिव की प्रवेशता ना हो तब नारायण कहाँ जाता है? शिव की प्रवेशता ना हो तो नारायण कहाँ जाता है? हाँ? फर्क है ना बाबा इनमें? हाँ? नारायण में नारायण पार्ट और शंकर के पार्ट। लेकिन नारायण का पार्ट भी जब होता है तो भी दो तरह के पार्ट चलते हैं, ऐसे नहीं नारायण जब शुरू हो जाएगा, कृष्ण का जन्म हो जाएगा तो दुनिया का विनाश का कार्य समाप्त हो जाएगा। बाबा ने मुरली में ये भी कहा है कि 76 में साइलेंस ने साइंस को हरा दिया, सदाकाल के लिए हरा दिया या अल्पकाल के लिए हरा दिया? हमारे लिए तो सदाकाल के लिए हरा दिया ना बाबा। अच्छा। कैसे? बस हरा दिया अभी। जोड़ से हरा दिया प्रूफ कुछ भी नहीं, बिना प्रूफ प्रमाण के कोई मानेगा ही नहीं बाबा। बाबा ने गुजरात की धरनी के बारे में जो जो इशारे किए हैं, गुजरात की माता कन्या ने पूरा सपोर्ट किया है। माउंट आबू से पूरा आज ब्राह्मणों की दुनिया गुजरातों का चल रहा वर्चस्व, गुजरात बाप के बहुत नजदीक है, नजदीक है, और सेवा में माता कन्या भी सरेंडर हो गई। हाँ जी, अभी लेकिन अभी साकार पाठ जो चल रहा है अभी तो जो गुजरात उत्तर प्रदेश के लिए बाबा ने जो इशारे किए थे तो उत्तर प्रदेश की माता कन्या क्यों नहीं सेवा कर रही? आप स्थूल उत्तर प्रदेश पकड़ते हैं या बेहद का उत्तर प्रदेश पकड़ते हैं? स्थूल गुजरात पकड़ते हैं या बेहद का गुजरात पकड़ते हैं? और कुछ साथ। अच्छा, जो दो स्थूल है कोई सूक्ष्म है? दोनों साथ तो चलते हैं, लेकिन जो स्थूल है वही सूक्ष्म थोड़ा ही है। गुजरात का सूक्ष्म में अर्थ है जिसके अज्ञान की रात गुजर गई, वो संगठन स्थूल वाले भी निकल गए बाबा। है स्थूल अलग बात, स्थूल है भक्तों की चीज,
और सूक्ष्म है ज्ञानियों की चीज। उत्तर प्रदेश वाले कौन होंगे? जो स्थूल में उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश वाले कोई आया? ये हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि गुजरात में रहने वाला जो स्थूल में है वो बेहद का गुजरात वाला नहीं हो सकता है। हो भी सकता है ना। उत्तर प्रदेश वाले अभी क्यों नहीं सूक्ष्म में आया? वो आप स्थूल में देख रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश वाले पहले ही निकले हुए हैं। क्योंकि आदमी भी होंगे, ऐसे नहीं निकल होता है। एडवांस के आदि में भी होते हैं। हाँ ये जरूर है कि एडवांस के आदि में जो होते हैं वो आदि में थोड़े सहयोगी होते हैं और बीच में ज्यादा विरोधी बन जाते हैं, अंत में फिर सहयोगी बन जाएंगे। लेकिन गुजरात की धरती ने कभी यज्ञ में विरोध नहीं किया। अभी आप स्थूल में नहीं दशरथ पटेल को उठाएंगे। हाँ जी, अगर ज्यादा भक्ति की होगी तो ज्यादा ज्ञान उठेगा, तत्वप्रधान भक्ति की होगी तो तत्वप्रधान ज्ञान उठेगा, वैसे ही तमोप्रधान भक्ति की होगी तो तामसिक ज्ञान उठेगा। हाँ जी, तामसिक ज्ञान कौन से प्रकार? तामसिक ज्ञान का मतलब है अनेकों से उठाएगा ज्ञान। आज बात से सुनेगा, कल दूसरों तीसरों चौथों पांचवों से सुनेगा और उनकी बातें धारण करेगा। वेल्डिंग करने का पीरियड कितने समय का होगा? जब से नई दुनिया की सौगात बाप दादा देते, जब से नई दुनिया की सौगात बच्चों को अनुभव होने लगे तब से अपना अपना अलग अलग। बाबा ज्ञान भी चार हफ्तों से गुजरती है बाबा ने कहा। ज्ञान तो आता ही नहीं शिव से। शिव जब चार अवस्थाओं से नहीं गुजरता तो क्यों नहीं गुजरता? शिव की बात कर रहा हूँ। शिव तो शिव को तो कहेंगे ही नहीं ज्ञान स्वरूप। शिव जो है वो ज्ञान को प्रत्यक्ष ही नहीं कर सकता। मेरी बिंदी का नाम शिव है। बिंदी अगर साकार में प्रवेश न करे तो चैतन्य ही नहीं है। बाबा ज्ञान जो है वो तो सच्चाई है, सच्चाई तो सच्चा ही होता है, वो चार अवस्थाओं से कैसे गुजरता है? हम बच्चों की जैसी स्टेज होती है, सत्वप्रधान स्टेज होती है, तो ज्ञान को हम सत्वप्रधान हिसाब। पहली बात तो ये बुद्धि उदाहरण करो कि मुरली ने बोला श्रीवत के बरखिलाफ बात करने वाले को रावण को तो मुरली को बात के बोला हुआ है। ज्ञान भी चार अवस्थाओं से गुजरता है। दुनिया की ऐसी कोई चीज होती नहीं है जो चार अवस्थाओं से पसार न होती हो। तो ज्ञान भी चार अवस्थाओं से पसार होता है, भक्ति भी चार अवस्थाओं से पसार होती है। तो मूल वाक्य को ही अगर हम उलट देंगे, वाक्य को उलट नहीं रहा हूँ, ये था कि हम जब हमारी जो अवस्था है उस आधार पे हम कह सकते हैं कि इतने हम तांत्रिक अवस्था के हिसाब से इन्होंने जब ज्ञान उठाया वो अपने हिसाब से उठाया। तो ज्ञान ऊपर नीचे होना और अवस्था के आधार पे ज्ञान लेना फर्क होता है ना। ज्ञान को ऊपर करने के निमित्त कोई बनता है या नहीं बनता है? निमित्त माने साकार, कोई बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। तो निमित्त जो भी बनता है, तत्व प्रधान सत्य की स्थापन करने के जो निमित्त साकार बनता है वो चार अवस्थाओं से पसार होता है या नहीं होता है? वो होता है। वो चार अवस्थाओं से पसार होता है तो उसके मुख से निकला हुआ ज्ञान भी चार अवस्थाओं से पसार होता है। गॉडफादर होगा तो गॉडफादर एक ही प्रकार की बात करेगा ना, चार प्रकार की बात। जैसा बच्चा उसकी समझ में वैसी बात आती, जैसे जिसके अंदर संस्कार होंगे धरणी में बीज एक ही होता है। वही बीज उत्तर भारत में बो, वही बीज दक्षिण भारत में बो, वही बीज है पश्चिमी भारत में, वही बीज पूर्वी भारत में, और उसका फल अलग अलग प्रकार का हो जाता है। क्यों हो जाता है? जैसी बुद्ध रूपी धरणी और वैसा वो फल देगा। हाँ? तो हाँ?
और उनके लिए बताया कि योगी और योगी है तो बाबा योगी तो ठीक है और योगी किसके लिए कहा गया योगिनी जो एक ही योगी से योग लगाए तो योगिनी भक्ति मार्ग में शास्त्रों में उसका नाम काशी दिया हुआ है कि शंकर जी काशी को सबसे जास्ती प्यार करते और कोई नगरी को इतना प्यार नहीं करते तो वो काशी राज हो गया वो काशी हो गई वो योगी हो गया वो योगिनी हो गई जैसे दिल्ली नगरी है वैसे ही बॉम्बे नगरी है वैसे ही काशी नगरी भी है। पारदारी कौन सा है? पारदारी वही आत्मा होगी जो सूर्यवंशियों का जो परिवार होता है उस परिवार की मुखिया हो। माता पिता भी बोलती है आते तो सूर्यवंशियों की माता सारी दुनिया की माता नहीं और धर्मों की माता नहीं है और धर्मों की माता के संस्कार भी उसमें नहीं है उसमें सिर्फ कौन से वंश के संस्कार सूर्यवंशियों के संस्कार है लेकिन आखिरी जन्म में जाकर के चंद्रवंश में गिर जाती है बस। हाँ पूरी कैसे पूरी कैसे थी या पूरी सीढ़ी सुनते ही नहीं है नहीं सुनते तभी तो नाम तो बोल दिया गया। हाँ फलों पर राजा कौन सा होता है? आम होता है फलों पर राजा। फिर पहले फलों का राजा आम तैयार होता है या पहले उसका बौर तैयार होता है? कौन पहले तैयार होता है? दाना शक्ति ज्यादा किसमें होगी? योगी नहीं योगेश्वर के साथ होना चाहिए। कदले में लड़की रहेगी क्या? उसके बिना ये क्रियासन से शोभा नहीं तो ये बुद्धि की बात है या गले में लटके रहने की बात है? बुद्धि की बात है। तुम बच्चे बाप के बगैर रह नहीं सकते बाप तुम बच्चों के बगैर रह नहीं सकते ये अव्यक्त वाणी में जो बोला है इसका मतलब गले में लटकाने की बात है क्या? और परिवर्तन होने से सब परिवर्तन होंगे तो सूर्यवंश की जो हेड है बीज है वो परिवर्तन अभी हुई नहीं है नहीं तो उसको पार्ट मिला है। हाँ तो अब आखिरी जन्म में जाकर के उसको गिरना कहाँ है? जब सारी शूटिंग पूरी हो जाए तो उसे अंत में कहाँ गिरना है? चंद्रवंश में गिरे तब तो कहा जाए कि पूरा दुर्गति का ग्रहण लगा। जब पूरी दुर्गति का ग्रहण लगे तब आकर मैं चोटी से पकड़ करके उठाता हूँ नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा वो परिवर्तन होंगे तभी सब परिवर्तन होंगे। होना ही है परिवर्तन। कौन परिवर्तन होंगे? बाकी सब परिवर्तन। नहीं पहले कौन परिवर्तन की बात कर रहे हैं आप? ब्रह्मा। हाँ जी ब्रह्मा का तो कोई प्रूफ ही नहीं रहा उसके परिवर्तन होने का तो पता ही नहीं चलेगा। साकार में चाहिए। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। हाँ जी जो जगदम्बा का चोला है उसकी बात है। एक का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन। परिवर्तन शक्ति भी वही हो गई बाबा? नहीं परिवर्तन अगर उसमें ही शक्ति हो तो खुद को ही परिवर्तन कर ले। हाँ जी इस बात के लिए जन्म जन्मांतर जन्म जन्मांतर साथ में कर बाबा।
ऐसा तो कोई है ही नहीं जिसका जन्म जन्मांतर एक संबंध से साथ रहा हो। अपनी बुद्धि में भले रखे लेकिन प्रैक्टिकल में साथ रहे हर जन्म, ये होता ही नहीं। क्योंकि एक जन्म में पुरुष बनना है, एक जन्म में स्त्री बनना है, तो ये हाँ साथ रहेगा भले किसी दूसरे संबंध से रहे। सिक्सटी थ्री बर्थ जिसे कहेंगे उसमें तो ऊपर नीचे होता है, उसके अलावा 21 बर्थ जो है उसमें तो एक जैसा ही रहता है। काशी में मुक्ति होता है तो मोक्ष मिलता है। मगहर में मृत्यु होगी तो कहते हैं नरक में जाएगा। इसका नाम क्या दिया? मगहर। और काशी में मृत्यु होगी तो कहेंगे स्वर्ग में जाता है। है कहाँ की बात? अरे इतना कह देने में तो बड़ा आराम, संगम नित्य की बात है। माने संगम युग में जहाँ नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ता है, काशी नगरी निमित्त बनती है, तो वहां जाकर के जो देह अभिमान त्यागते हैं मरते हैं उनके लिए यादगार है। वहां मरेंगे तो सुख में चैन में महसूस करेंगे, नहीं तो दुनियादारी का झंझट। अगर कहते हैं मगहर में मरेंगे, मगहर माना जहाँ मांगते रहते हैं और मांगने के संस्कार का जहाँ हरण हो जाए, अति हो जाए तो अंत भी हो जाए, तो मगहर कौन सा हुआ है? माया की नगरी। वहां शरण में जो जावेंगे तो स्वर्ग में जाने का हम जाने का अनुभव करेंगे या अधीनता में जाने का अनुभव करेंगे? अधीनता का अनुभव करेंगे माने हमेशा सुखी रहेंगे। काशी माना काशी माना याद का तेल। और सूरत में एक कहावत है, सूरत नु जमन काशी नु मरण। सूरत नु जमन काशी नु मरण। मुद्रा उसका बेहद में अर्थ क्या है? कहाँ को जमन? सूरत सूरत जमन यानी काला और काशी का मरण, ऐसा कहावत है गुजराती, उसका बेहद में अर्थ क्या है? काशी का मान तो समझ में आ गया। अब बात बात के लोग बात बात की बातें बनाते हैं। सूरत कौन सा? गुजरात वाला। गुजरात में जाके खाना खाएं, गुजरात का खाना और काशी का मरना, ये बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, घटिया माना जाता है? श्रेष्ठ माना जाता है। सुना नहीं है? आपको अच्छा लगा होगा सूरत का भोजन, किसी ने सुना? और गुजराती गुजराती है वो लोग जानते हैं। नहीं तो यहाँ गुजराती नहीं बैठे? बम्बई में तो गुजराती बहुत लोग हैं। सारे गुजरात की बात थोड़े ही कर रहे हैं, ऐसा सूरत की बात कर रहे हैं सिर्फ। है हाँ, एक बात जरूर है कि सूरत के कपड़ा बहुत प्रसिद्ध है, सूरत की साड़ियाँ। ऐसे कास्ती साड़ी तो बनारस की होती है,
बनारस की साड़ी कास्टली भी बहुत होती है, अच्छी भी होती है, और सूरत का सस्ता कपड़ा भी अच्छा होता है, कपड़ा ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन खाना प्रसिद्ध है। ए तो पहली बार सुना। और पूर्व जन्म में जब आया था तो भी वानप्रस्थ में आया था। ब्रह्मा की जब 1948 में 60 साल की उम्र थी तब वो प्रवेश किया, तो वहाँ से आपको 60 साल लेने पड़ेंगे। एक है प्रजापिता ब्रह्म और एक है ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा में आया तो स्थूल रूप में 60 साल की उम्र थी तब आया, और फिर बेहद में जब आता है तो बेहद में 60 साल की उम्र कब पूरी होती है? 76 से लेकर 76 से लेकर 2036 तक, तो 2036 में 60 साल पूरे हो जाते हैं, चला जाता है। आग लगकर पूरी होगी फिर मैं क्या करूंगा यहाँ? हाँ जी, संगम में भी लक्ष्मी नारायण सत्य कृष्ण को जन्म देते हैं तो राधा को कौन? लक्ष्मी नारायण सत्य कृष्ण को जन्म देते हैं तो संगम में लक्ष्मी नारायण राधा को जन्म नहीं देते हैं? हाँ भाई बहन साथ ही साथ तो वहाँ जन्म लेते हैं। शादी कैसे होती वहाँ? शादी मुरादी की जरूरत है? उत्सव या साधमाना वहाँ कुछ होता है क्या? ये तो यहाँ की दुनिया की बात है, सारी जिंदगी दुख तो थोड़े दिन के लिए ढोल मजीरा बजा लो, खुशी हो जाओ। वहाँ तो रोज ही खुशी की नगाड़ी बजते रहती है। हाँ जी सत्यराम चरित्र की जो कथा है, सत्यराम को तो आता ही मन है, सावित्री जो है अपनी पुण्याई के आधार से उसको यानी उसका प्राण वापस है, प्राण वापस सावित्री जो है वो अपनी पुण्याई के आधार पर वो सत्यराम का प्राण वापस लाती है। ठीक है, अपने गुणों के आधार पर, अपनी पवित्रता की पावर के आधार पर वो उसको वापस ले लेती है। उसका नाम ही है सौ स्त्री। एक स्त्री होता है खत्री, स्त्री जो इसे बेचने वाला होता है उसको कहते हैं खत्री या स्त्री। एक खत्री के पास कितने इत्र होते हैं बेचने के लिए, और उसका नाम क्या है? सौ स्त्री। कितने खत्रियों के उसमें इत्र भरे पड़े? सौ के। तो इतनी गुणवान जो होगी तो उसके गुणों से तो भगवान ही प्रसन्न हो जाए। धर्मराज की तो बात भी छोड़ो। हाँ फिर हाँ हाँ ज्यादा पावरफुल है ना, प्योरिटी की पावर से दुनिया के सारे काम होते हैं। जो माता पिता अपनी कन्याओं को सरेंडर करते हैं वो 16,000 में आते हैं क्या? तन को अर्पण कर दे और धन ना अर्पण करे? नहीं बाबा। अरे नहीं बाबा क्या ये क्या बात हो गई? मैं पूरी तरह की बात कर रहा हूँ। 16,000 के जो राजघराना है बात कर रहे हैं बाबा, हाँ उसमें आते हैं क्या? अरे माँ बाप कोई ऐसे होते हैं कन्या को तो अर्पण कर देते हैं, कन्या को तो अर्पण कर देते हैं, लेकिन कन्या के जो कपड़े लगते हैं अच्छे अच्छे वो भी घर में रख लेते हैं। बाद में कन्या कहती है हमको हमारे कपड़े वापस दे दो, तो तुम तो बाबा को सरेंडर हो गई। तो तन अर्पण कर दे, कन्या है तन माँ बाप का, तन तो अर्पण किया वो भी अंश मात्र में। माँ बाप का सारा परिवार तन है तो एक कन्या को तो अर्पण कर दिया,
बाकी धन अर्पण नहीं किया और मन भी अर्पण नहीं किया तो 16,000 की लिस्ट में आ जाएगा। कन्या और कन्या से जुड़ी हर बातों को अर्पण कर दिया तो कन्या से जुड़ी हुई हर बात जो है प्रॉपर्टी सारी आ जाती है। अगर अगर एक ही कन्या है माँ बाप को तो माँ बाप की सारी प्रॉपर्टी वही कौन जाएगी। रुद्रमाला में बहुत थोड़े निकलते हैं जो धन अर्पण करने वाले होते हैं, मोस्टली ऐसे होते हैं कन्या के लिए गरीब है नहीं चला सकते हैं तो कन्या को अर्पण कर दिया, कन्या नहीं चाहती है तो भी अर्पण कर दिया। धन है ही नहीं तो वो बात नहीं, उसके साथ मन की भी तो बात है, मन श्रीमत पर चलने वाला हो तो अर्पण है, श्रीमत पर न चलने वाला होगा तो अर्पण नहीं है। बात क्या कहना चाहते हो, पूरी बात तो करो। ये कि बाबा ने बोला है जो भी कन्या अगर सरेंडर हो गई भले कागज पत्र से तो वो भी 16,000 के लिस्ट में चले जाते हैं बाबा ने कहा। बाबा तो जिम्मेवारी लेता है हाँ, तो उनको सरेंडर करने वाले जो मात पिता है क्या वो भी उस लिस्ट में जाते हैं? वो नहीं, ये कोई राय से तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी मना। यहाँ तो लिमिट दी हुई है 16,000 की।